नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कमेंट आई है, जो कमेंट हमारा एक वीडियो था कि प्लाट को गज में कैसे नापें। तो इस पर जो ये कमेंट की है, इल्मा बी ने की है, इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ ये बताएं प्लॉट की लंबाई 60 फुट है और चौड़ाई 15 फुट है, तो प्लॉट कितने गज का होगा। तो चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि हम सबसे पहले, अगर हमारे पास प्लॉट की लंबाई है तो प्लॉट की लंबाई 60 है और चौड़ाई 15 है, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900 स्क्वायर फुट। तो जब हम प्लॉट में लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर लेते हैं, और जब हमारे फुट का और फुट का हम गुणा करते हैं, तो जो हमारा क्षेत्रफल आता है वो वर्ग फुट में आता है। जब हमारा फुट वर्ग फुट में आ जाता है, हम उसमें 9 का भाग दे देते हैं, तो जो हमारा प्लॉट है वो वर्ग गज में आ जाता है। तो चलिए 9 का भाग 900 में देंगे, तो हमारा यहाँ पर 9 से ये 900 कट जाएगा 100 बार। तो ये जो हमारा जो इस जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, इसकी जो जो प्लॉट है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 100 वर्ग गज आएगा, 100 वर्ग गज। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई प्लॉट है और उस प्लॉट के बारे में हमें पता है, उसकी लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, तो हम लंबाई का और चौड़ाई का गुणा कर लेंगे अगर हमारे पास फुट में है तो। अगर फुट में नहीं है तो हम फुट में बना लेंगे, तो फुट में लंबाई का और फुट में चौड़ाई का गुणा कर लेंगे, और उसके बाद हम उसमें 9 का भाग दे देंगे, तो जो हमारे प्लॉट का एरिया आएगा वो हमारा गज में आएगा। तो इस प्रकार से हम गज निकालते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।